जी शेख, मेरा सवाल है वो जमीन के मुतालिक। जैसे कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से 10 कट्ठा जमीन लिया खेती करने के लिए, और वो जमीन वाला उस आदमी से मान के चलिए 50,000 रुपया लेता है, और वो खेती करता रहता है और ये पैसा को ये इस्तेमाल करता रहता है, और 1 साल 2 साल के बाद ये पैसा उसको वापस दे देता, फिर जमीन ये ले लेता, तो क्या ये सूरत हाल सही है? भाई का सवाल रहम के बारे में है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी से पैसा कर्ज लेता है और उसके बदले में वो रहम रखता है। जिससे कर्ज लेता है उसके पास जमीन अपनी गिरवी रखता है, जिसको हम रहम बोलते हैं। अब वो जिसके पास वो जमीन गिरवी रखी गई है, वो उसमें खेती करता है 1 साल 2 साल 4 साल तक, जब तक वो कर्ज वापस नहीं करता है तब तक वो खेती करता है और उससे फायदा उठाता है। तो क्या ये जायज है? ये जायज नहीं है। ये इसके जवाज की एक शक्ल ये बन सकती है कि वो जो आदमी खेती कर रहा है, जिसने कर्ज दिया हुआ है, जब वो खेती करे तो उस खेत में जो गल्ला पैदा हो रहा है उस गल्ले को वो शुमार करता रहे, कितना गल्ला पैदा हुआ, कितनी कीमत का गल्ला पैदा हुआ, मैंने उसमें कितना मेहनत किया है, अपना मेहनताना काट ले, उसके बाद गल्ले की कीमत शुमार करे। जब वो गल्ले की कीमत उसके कर्ज की रकम को पहुंच जाए तो उसको खेत वापस कर दे, और उसको जो कर्ज दिया है वो कर्ज भी उससे नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी कीमत वो वसूल कर चुका है। तो एक सूरत तो जवाब की ये है, और दूसरी शक्ल ये है कि उस खेत को मुजारा बना दिया जाए। मुजारा का मतलब ये हुआ कि उससे खेत वाले से ये इत्तेफाक करे कि ये खेत जो है मैं इसमें खेती करूंगा और जो पैदा होगा हम दोनों इतना परसेंट, आपका इतना परसेंट मेरा, हम दोनों इसको बांट लेंगे, बाकी खेत तो मेरे हाथ में रहेगा ही जब तक आप कर्ज नहीं वापस करोगे। तो इस तरह से उससे इत्तेफाक कर ले, जिसको हम हमारे आमतौर से बटाई बोलते हैं, कि इसका आधा आपका आधा मेरा जो पैदावार होगा, या जिस जिस पर भी इत्तेफाक हो जाए। तो जवाज की एक शक्ल ये बन सकती है, लेकिन जो शक्ल अपने यहां राइज है कि जो जिसके पास गिरवी रखी हुई है जमीन, वो मुसलसल उसमें खेती करेगा, फायदा उठाएगा, आखिर में जब खेत जो है वापस करेगा तो अपनी रकम मुकम्मल वापस लेगा, ये शक्ल जायज नहीं है, क्योंकि ये सूद है। क्योंकि वो जो फायदा उठा रहा है खेत से, वो किस चीज में फायदा उठा रहा है? वो कर्ज देने के बदले में फायदा उठा रहा है, और कर्ज देने वाला कर्ज के बदले में जो भी फायदा उठाए उसी को सूद कहा जाता है।